अस्सलाम वालेकुम जी, सिटी प्रॉपर्टीज से मैं हूँ अली हैदर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विक्टोरिया सिटी के हवाले से कि कौन सी ऐसी टॉप 3 रीजंस हैं कि आपको जो है वो विक्टोरिया सिटी को कंसीडर करना चाहिए एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस, और इसके अलावा मजीद अगर फ्यूचर में एज आ रेजिडेंशियल पर्पस भी इसको आपको जो है कंसीडर करना चाहिए। तो कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो अक्सर क्लाइंट्स का जो कंसर्न आ रहा था कि शेरावाला ग्रुप ऑलरेडी बड़ा अच्छा वेल रिप्यूटेड ग्रुप है और इनके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहे हैं। सोसाइटी, इनकी फर्स्ट सोसाइटी, मेरी फर्स्ट सोसाइटी ने ये लॉन्च की है, तो ये किस तरह का काम करेंगे, अच्छा करेंगे या ओवरऑल किस तरह से काम करेंगे, तो कुछ इस वाले से भी आज आपको अपडेट करूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें मजीद ये है कि कोई भी डेवलपर है, बेशक शेरावाला ग्रुप की एक अच्छी रिप्यूट है मार्केट में, जो कि आप अपने सोर्सेज के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी लाहौर में बड़ा अच्छा ये काम कर चुके हैं। और जहाँ तक बात है कि पहली सोसाइटी की, कोई भी डेवलपर हो, जब इनिशियल स्टेज पे वेरी फर्स्ट सोसाइटी कोई भी डेवलपर जो लॉन्च कर रहा हो, तो उनकी यही कोशिश होती है कि इनिशियल स्टेज पे बड़ा अच्छा और रीजनेबल तरीके से अपनी कमिटमेंट्स को जो है पूरा भी किया जाए और इस तरह की डेवलपमेंट करके दिखाई जाए कि आने वाले मजीद न्यू प्रोजेक्ट्स में भी जो है वो लोग उनमें जो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो व्यूअर्स, इसी तरह से जैसे कि आपने अल्कबी टाउन को देखा कि अल्कबी टाउन का जब फेस 1 लॉन्च हुआ था उस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं था और अल्कबी टाउन की मैनेजमेंट ने वहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट करके दिखाई कि 5 लाख में जो प्राइस प्लॉट्स वहाँ पर लॉन्च किए गए थे, इस टाइम वो 45 से 50 लाख रुपये तक जो है जा चुके हुए हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ बैली टाउन की, तो बैली टाउन की मैनेजमेंट ने भी जो है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है वो सेक्टर ABC में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करके दिखाई। इनिशियल स्टेज पे जब किसी तरह के कोई इश्यूज नहीं आए, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट भी हुई, टाइमली पोजेशन भी दिया गया और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर हैं। और इनिशियल स्टेज पर तो किसी किस्म की कोई भी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ ना हुई क्लाइंट्स को या ना ही उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने यहाँ पर जो है वो टाइमली इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनको आज भी जो है वो उनकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर है। इसी तरह से अगर इसके विक्टोरिया सिटी के नियर बाय सोसाइटी की बात की जाए, तो न्यू लाहौर सिटी की मैनेजमेंट रफ़ी ग्रुप ऑलरेडी बड़ा अच्छा नाम था, उन्होंने भी स्टार्टिंग में जो है कमर्शियल ओवरलॉट जो है वो कंस्ट्रक्ट करके डिलीवर कर चुके थे। लेकिन न्यू लाहौर सिटी की स्टार्टिंग में जो है वेरी फर्स्ट सोसाइटी थी और नियर बाय फेस 1 में उन्होंने बड़ा अच्छा डेवलपमेंट की और बड़ा अच्छा जो है वहाँ पर काम करके दिखाया। आज भी अगर आप न्यू लाहौर सिटी को विजिट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल जो है बड़ा रीजनेबल मेन एंट्रेंस, ओवरऑल आगे जो है वो अंदर से बड़ा बेहतर तरीके से जो है उसको डेवलप किया गया। इसके अलावा मजीद जो है वो न्यू लाहौर सिटी फेस 3 और फेस 4 में जो है वो आगे जाकर काफ़ी इश्यूज़ भी आए और पोजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लाइंट्स को डिलीवर ना कर सके। बताने का मकसद ये था आज की वीडियो में कि आपको थोड़ा सा अपडेट किया जा सके कि कोई भी डेवलपर है उसकी ये कोशिश होती है कि इनिशियल स्टेज पे इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट की जाए सोसाइटी की कि आने वाले वक्त में जो भी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए वहाँ पर भी जो है वो जो इन्वेस्टर्स शेरावाला ग्रुप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो एज इट इज़ उनके साथ चलें और एक रीजनेबल टाइम पे रहते हुए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल करें। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, काफ़ी क्लाइंट्स का ये कंसर्न था कि NOC का कब आएगा और कब जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट का स्टार्ट होगा, कुछ इस वाले से भी आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बेसिकली इस तरह से जिस तरह से हमारी मीटिंग्स हुई हैं शेरावाला ग्रुप की मैनेजमेंट से ओवरऑल, तो उनमें यही जोर दिया गया है कि काफ़ी फास्ट ट्रैक पर जो है बैकेंड पे NOC का जो है वो अप्रूवल्स का काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप बहुत जल्द देखेंगे कि इसका NOC भी आ जाएगा LDA की तरह से, इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि विद इन फ्यू वीक्स आपको जो है वो पेमेंट प्लान एडवाइज होता हुआ भी नज़र आएगा और मजीद वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें ऑन के ऊपर जाती हुई भी नज़र आएंगी, तो एक राइट टाइम आपके लिए, आप एक राइट टाइम पर रहते हुए इसमें किसी भी कैटेगरी के प्लॉट को जो है वो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हुए जो है उसको आप अवेल कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि जब इसकी प्राइसेस रिवाइज हुई और जिन लोगों ने एक रीजनेबल टाइम पे रहते हुए अच्छी प्राइसेस में शॉप कोई किसी भी कैटेगरी का प्लॉट, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो या फिर वो कमर्शियल प्लॉट हो, जिन लोगों ने इनको कंसीडर किया वो उस वक्त पे अच्छे प्रॉफिट के साथ उसको सेल भी कर पाएंगे और अगर ऐसा लॉन्ग टर्म भी लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह उनके आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा जॉब उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जॉब साबित होगी। और जिस तरह से शेरावाला ग्रुप की तरफ से जॉब कमिटमेंट की गई है कि बड़े अच्छे डेवलपमेंट भी करके दिखाएंगे और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ओवरऑल सारी की सारी जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहाँ पर आपको जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर जाते हुए भी जो है वो नज़र आएंगी। बेसिकली बैकेंड पे विक्टोरिया सिटी को इस तरह से लॉन्च किया गया है कि कोई भी बंदा जो है वो उसको एक रीजनेबल डाउन पेमेंट के साथ इसको जो है वो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के जो प्लॉट को परचेज कर सकते हैं, ताकि एक लमसम अमाउंट उनको हैवी अक्सर लोग जो है पे नहीं करना चाह रहे थे या उनके पास बजट बहुत कम होता है,
तो उनके लिए बेसिकली स्पेसिफिकली जो है वो इसको लॉन्च किया गया इस तरह से कि एक ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, ताकि हर बंदा जो है उसमें जो है वो किसी भी कैटेगरी का प्लॉट परचेज करके एक अच्छा लाइफस्टाइल फ्यूचर में जो है वो इंजॉय कर सकें और एक इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ जो है वो उसको लेकर चल सकें, ताकि फ्यूचर में जब तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद जब इसका पोजीशन अनाउंस किया जाएगा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ भी आप इसको कंसिडर कर सकें और बैठिया के नियर बाई फैसिलिटीज़ भी जो है वो इंजॉय कर सकें। और इस कदर बेहतरीन सोसाइटी है कि कनाल रोड और मुल्तान रोड, जैसे कि आपको आइडिया कि 2 साइड ओपन सोसाइटी है और बड़ी अच्छी इसकी अप्रोच है, ठोकर न्याज बेग से डायरेक्ट अप्रोच है मुल्तान रोड के ऊपर और कनाल रोड से भी जो है वो बड़ी ईजी अप्रोच है। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव भी नज़र आएंगी और डेवलपमेंट जैसे ही इसकी इंशाल्लाह इनकी स्टार्ट होगी तो मज़ीद आपको जो है वो रेट्स ही बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा ओवरऑल आपके माइंड में विक्टोरिया सिटी के हवाले से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकते हैं और अपने राय का इजहार आप जो है वो कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आपके माइंड में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो विक्टोरिया सिटी के हवाले से तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cdvrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।